टकाटक से शुरू कर लेते हैं। टकाटक ये कौन सा? चिकन टकाटक। चिकन टकाटक ठीक है। ये कैसे बनता है भाई चिकन टकाटक? मैं आपको बता दूं निधा, इसमें पहले हम ऑयल लेंगे। अच्छा, चाहिए क्या इसके लिए? पहले ऑयल तो लेंगे ना आप? ले लिया आपने? इसके लिए हमें ऑयल चाहिए, इसके बाद चिकन चाहिए हमें। चिकन के पीसेस होते हैं ना, कि उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं। बोनलेस ले लें हम? बोनलेस चिकन। हाँ। ब्रेस्ट पीस होता है उसके, जो है ना, हम पीसेस हाँ। कर लेते हैं। अच्छा, आपका जो ऑयल है वो कढ़ाई के नीचे गिर रहा है, वैसा ना आग लग जाएगी फिर। नहीं उसमें ठीक है, टिश्यू पेपर से साफ करके डाल रहे, ऐसा ना हो कि आग लग जाए। मुझे वही टेंशन है। वो रहा टिश्यू बराबर। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ऑयल डालने के बाद आप जो चिकन के बोनलेस पीसेस हैं, चिकन की बोनलेस पीसेज हैं क्या जी जी। वो आप ऑयल में डाल देंगे या वो मैरिनेट करेंगे? नहीं, ऑयल में डालेंगे इसको, पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको ना। अच्छा, कितने हैं चिकन? कितनी ली आप? तकरीबन 300 ग्राम समझ लें। 300 ग्राम जी। ठीक है, 300 ग्राम चिकन आपने लिए और अब आप उसको फ्राई कर रहे हैं। अभी कोई इसके ऊपर आपने मसाला नहीं लगाया? मसाला अभी कोई नहीं डाला, अभी मैं मसाले आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इसके साथ चीजें। ताकि हम जरा खवातीन को भी ये बताएं कि वो भी सारा दिन किचन में ना खड़ी रहें, खाने एक साथ निपटा के जी निकल आए किचन से। अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। ठीक है, जैसे थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा ना, हाँ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, फिर बताते जाइए, रुकिए। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो इसका टमाटर और अनियन का पेस्ट बनाया हुआ ना, वो टमाटर और अनियन का पेस्ट ये मुझे दिखा है, टमाटर और अनियन का कैसा बनाया हुआ है ये देखिए। ये टमाटर पेस्ट हो गया जी, इसमें अनियन भी इसमें मिक्स किया, अनियन भी मिक्स किया। कितने टमाटर लिए, कितने प्याज लिए? इसमें समझ लें, अगर आधा किलो टमाटर है ना तो एक पाव प्याज है, इस ये रेशियो है इसका। ये रेशियो, आधा किलो टमाटर जी, 300 ग्राम चिकन जी, आधा किलो टमाटर और एक पाव प्याज जी, इसका आपने मिक्सचर बना लिया, पेस्ट बना लिया इसका, पेस्ट बना लिया, ग्राइंड किया मशीन में इसको जी। फिर इसके बाद हम बाद में मसाले डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, अब आप इसको चिकन को ब्राउन करके लहसुन अदरक डाल रहे हैं जी? बिल्कुल। तो मसाले अभी डालेंगे या पेस्ट डालने के पहले? पेस्ट डालेंगे सबसे पहले, अदरक लहसुन डालेंगे, इसके बाद बाकी चीजें करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन के बाद पेस्ट आएगा जी, फिर मसाले आएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून समझ लें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमने डाल दिया इसमें। ऐसा ना 20 मिनट में आपकी एक ही डिश बने। हाँ जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हाँ। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये ग्रेवी ना, ये तकरीबन 300 ग्राम समझ लें ये है, हम इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर आधा किलो टमाटर और एक पाव प्याज लिए हैं, उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया है। 300 ग्राम चिकन है बोनलेस, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, सॉस डाल दिया है। मसाले कौन कौन से होंगे बता दीजिए, डालने से पहले ही बता दें। बिल्कुल, डालने से पहले मैं बता दूं, इसमें हमारे पास जीरा डलेगा, इसमें कितना कितना क्रश जीरा, इसमें 1/2 टीस्पून समझ लेंगे, सारी चीजें जाएंगी इसमें। भुना हुआ क्रश है जी, क्रश जीरा, जीरा डाल दिया जी, ये 1/2 टीस्पून हमने इसमें कुटा हुआ धनिया डाल दिया, कुटा हुआ धनिया ठीक है। ये इसमें मसाला है, गरम मसाला। अच्छा, वो भी अभी डाल रहे हैं जी, वो भी डाल दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली, सही है, 1/2 टीस्पून रेड चिली अब ऐड कर दी इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्ट ऐड कर दिया हमने इसमें। अच्छा, 1/2 टीस्पून बस, ये हसबे जायका, जो मतलब लोगों को लोग नमक ज्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है ना। और ये 1/2 टीस्पून ये ब्लैक पेपर इसमें हमने ऐड किया, काली मिर्च भी जी। ठीक है, ये आपके हो गए मसाले जी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस अब इसको हम तैयार कर रहे हैं। ये है चिकन टकाटक जी, ये नाम ऐसा लग रहा था कि अभी आप टकाटक 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 करेंगे, नहीं तवे वाला सीन नहीं इसमें। अच्छा जी जी जी, तो बस ये सालन तैयार, बस ये इसमें तैयार हो जाएगा, बस इसमें 10-15 मिनट इसको हम पकाएंगे। हाँ, ये तो बहुत इजी रेसिपी है जी, बिल्कुल। इसको हम थोड़ा पकाएंगे इतना कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ा सूख जाए इसके अंदर। अच्छा, ठीक है ना, तो बस समझ लें फिर ये तैयार है इसके बाद। चलें,